sir. Hello students, how are you? I think you will be fine at your homes with your parents. Students, as you know that yesterday we took a topic figure of speech. कल हमने figures of speech एक टॉपिक लिया था. आज मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ. Figures of speech. तो कल मैंने आपको दो figures of speech बताया, सिंपली और मैटर. आज मैं एक तीसरा ले रहा हूँ जो फिगर ऑफ स्पीच है, परसोनिफिकेशन. परसोनिफिकेशन, परसोनिफिकेशन का जो मतलब होता है मानवीकरण. मानवीकरण, परसोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण. मानवीकरण का और जो सरल शब्दों में अगर समझे जाए तो ऐसी कोई चीज़ जो डेड हो, कोई पर्सोनिक, कोई इस तरह कोई पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट हो, जैसे सन, मून, स्काई, अर्थ, सी, रिवर, इनको पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स माने जाते हैं, या कोई आइडिया हो और उसको ये मान लिया जाता है कि जैसे कि वो सजीव तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. तो आप इससे डेफिनेशन क्या बन रही है, आप फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच इन विच एनी डेड और आइडिया और एनी पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट, पर्सोनिफाइड थिंग इज कंसिडर्ड, इज कंसिडर्ड as having life. मतलब हुआ कि आप अगर एक अलंकार इनमें जिसमें कि एनी डेड, जिसमें कि कोई मरी हुई चीज, कोई दिवंगत चीज और आइडिया, कोई विचार और एनी पर्सोनिफाइड थिंग या फिर कोई पर्सोनिफाइड चीज जिसको मानवीकृत किया जाता है, जैसे कि सूर्यचंद्र इस कैटेगरी में आते हैं, सूर्य, चंद्रमा, स्काई, अर्थ, ये सब इस कंसिडर्ड एज हैविंग लाइफ, उनको सबको क्या मान लिया जाता है कि जैसे कि उनमें जान, तो ये आपका पर्सोनिफिकेशन बना. अब इसमें एग्जाम्पल समझे तो एग्जाम्पल से देखेंगे तो आसानी समझ में आ जाएगा. अब यहाँ कहा जाएगी लव इज ब्लाइंड और आराम से याद भी रहेगा, आपको समझ में भी आएगा प्यार अंधा होता है. तो अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि प्यार जो होता है ये फीलिंग है, एक इमोशन है, तो अंधा ये कैसे हो सकता है, जबकि आदमी है वो अंधा होता है. तो लव को क्या मान लिया गया, पर्सनल फाइट करती है, मानवीकृत करती है, इसका मानवीकरण करती है. तो ये क्या बना आपका जाके ये पर्सोनिफिकेशन का वर्ड बना, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है. दूसरा एक ले लें और अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी नॉक्स
मतलब हुआ। और सर किसी व्यक्ति के जीवन में एक बार और सर किसी का दरवाजा एक बार खटखटा, तो दरवाजा जो खटखटाने वाले आते तो कोई ये अपॉर्चुनिटी तो कोई आदमी तो है नहीं, मेल फीमेल तो है नहीं जो दरवाजा आके खटखटा, तो जो अवसर वर्ड आया अपॉर्चुनिटी, तो इसको क्या कर दिया गया, पर्सनिफिकेशन इसका कर दिया, मान्यकरण इसका कर दिया। तो ये वर्ड आपका पर्सनल माइंड ऑब्जेक्ट बन गया। तो इस प्रकार से जिस भी चीज का, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, कोई भी चीज या कोई विचार हो, तो उसको जब पर्सनिफाइड कर दिया जाता है तो उसी से आपका ये अलंकार बना, मान्यकरण है। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, धीरे धीरे इसी तरीके से पढ़ते रहिए, कोर्स भी आपका बढ़ रहा है। कल मैं आपको चौथा अलंकार, अगला अलंकार बताऊंगा। थैंक्स फॉर टुडे। स्टूडेंट से एक चीज मैं आपसे कहना भूल गया कि जो मेरा चैनल है हेलो सर अवेलेबल, हेलो सर अवेलेबल HELLO SIR AWAKENING, ये जो मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, इससे कि मेरा मनोबल बढ़ेगा तो मैं आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूँगा। थैंक्स अगेन फॉर टुडे, आई विल मीट यू द नेक्स्ट डे।